मॉर्निंग एवरीवन। और आज है राखी का नेक्स्ट डे और हमारे यहाँ आए हुए हैं गेस्ट। और कमाल की बात तो आज ये हुई है कि आज हमारे घर सुबह से पानी नहीं आ रहा है और अब सब लोग बहुत परेशान बैठे हैं क्योंकि ना हम खाना बना पा रहे हैं, मतलब ब्रेकफास्ट ना बना पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, खाली चाय पी के सब बैठे हैं। तो हम लोग मार्केट से सोच रहे हैं कि कुछ मंगा लिया जाए और खाया जाए। नॉर्मली भी बच्चे मार्केट का बहुत पसंद करते हैं, तो बस अब सबसे डिस्कस करते हैं और मंगाते हैं। पानी नहीं आ रहा और ये ऐसे बैठ गए हैं सब लोग खाने के लिए। किसी ने भी मुंह नहीं धोया, हाथ तो और हाथ तो बिल्कुल नहीं धोए। मैंने धोया सबसे उठ के। अमीना का मिनट दिया था, झूठी झूठी बातें बोल रही है, नहाए नहीं है, पता लगे मुंह आप सबने धोया। बच्चों में से एक ने भी नहीं धोए। बच्चों भी धुलवाए वो बिना हाथ धोए कभी नहीं। मेरी भी डालो, हाथ मुंह सबने धोया है, नहाया कोई नहीं। अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, पानी क्या करें। पता है पानी की शॉर्टेज होने की वजह से दीदी बोल रही थी कि डिस्पोजल ही बर्तन यूज़ कर लो, तो हमने प्लास्टिक के प्लेट्स ही यूज़ किए। सो गाइस, ब्रेकफास्ट किए हुए भी हमें काफ़ी देर हो चुकी है, करीबन 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। और अब बच्चे कहीं घूमने के लिए भी बोल रहे हैं, तो हमने ये सोचा पहले तो कि चलो हम कहीं वाटर पार्क वगैरह चलते हैं, पर वाटर पार्क तो बंद पड़े हैं, इस समय हम जा ही नहीं सकते हैं। तो वैसे ऑप्शन के लिए हम अपने दूसरे घर जा सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि एक काम करते हैं कि नहर पार वाले घर जाते हैं और वहाँ जा करके एंजॉय करेंगे। तो हम वहाँ चलते हैं और वहीं जा करके नहा भी लेंगे बच्चे। और हालत बहुत खराब हो रखी है देखिए, और ये देखो आकाश, इसको तो वैसे भी नहाने की आदत है नहीं है, तो ये कह रहा है आप लोग इतने परेशान क्यों हो जाते हो, पानी नहीं होता तो। पर हमसे कोई पूछेगा हम इस समय कितने अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मैं नहाता हूं। झूठा 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 झूठा, इसको तो कई कई बार बोलना पड़ता है और तब जाकर के ये नहाता है, ये नहाता नहीं है इजिली। कंटेंट के लिए बदनाम कर दिया नहीं ये सच। अच्छा एक मिनट गाइस, आप लोगों को पता होगा जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो देखी है कि हमारे हम ट्रेंडिंग का क्या मतलब होता है। ट्रेंडिंग क्या? ट्रेंडिंग कि कौन एक बार पे नहाता है, कौन बदनाम कर रहा है। नहाता क्यों नहीं? देखो ट्रेंडिंग नहीं कर रहा ये। अच्छा तो अब हम बुआ से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि वो चलना पसंद करेंगे। हालात में तो हम चलना ही पसंद करेंगे। देखो कैसे कैसे बैठे हैं और सभी परेशान हो रहे हैं इस समय, पानी नहीं है तो क्या करेंगे, कैसे नहाएंगे, इसी चक्कर में हम बैठे हुए हैं। अब सोचते हैं कहीं जाके। चलो और ये देखो रिद्धिमा की तैयारी कैसे रख के बैठी हुई है। इसने तो अपना बैग भी पैक कर लिया है, अभी किसी ने नहीं अपना कोई कपड़े रखे होंगे, इसने अपना बैग पैक कर लिया है। उधर देखो ये क्या चल रहा है, ये देखो इसको भी गिराऊंगा, ये देखो और ये आ गया क्यूटी पाए काबू। काबू पल्ले घर चले, फार्म हाउस वाले घर चले, नहीं नहीं करने चलना है, वही नहाने का शौक ही नहीं है, नहाने का शौक ही नहीं है। क्या कह रहे हो, कोई उत्साह नहीं है इनके अंदर, हमें हो रही कि हम जल्दी नहाए, क्या रात के कपड़े डाल के बैठे। नहाने का कोई जोश तो नहीं है उसको, देखो मैं तो उसको देख रही हूँ कि कब से बैग पैक करके बैठी है अपना, अभी किसी ने नहीं किया होगा। और हम लोग तो अभी फिर भी ब्रेकफास्ट के बाद बैठकर बातें कर रहे थे, बल्कि रिद्धिमा ने पूरे घर की डस्टिंग करी है, सफाई करी है, इतनी देर हम बातें करते रहे हैं, इसने पूरा घर साफ किया और उसके बाद भी इसका बैग पैक हो चुका है। बहुत एक्साइटेड है। और एक हम लोग हैं जो ऐसे के ऐसे ही अभी बैठे हुए हैं और अभी हमने बैग भी पैक नहीं किया। हाँ इसने इस बंदे ने हेल्प कराई थी जो अपनी पॉटी भी नहीं धो सकता। कह रहा चाय नहीं पीता, चाय पीने से प्रेशर आता है। भाई बताओ देखिए अंदर क्या कर रहे हैं जेंट्स बंदे। नहीं फोन पे बात कर रहे हैं जीजा जी, और ये गगन जी फोन लेके पड़े क्या करें, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। ये देखो हमारे बच्चों की फौज, ये देखो पेपर चल रहा है काबू जी का, अभी तो हुआ नहीं, अभी अभी स्टार्ट नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट तो कब हो चुका है, अटेंडेंस लगा के काट के वापस आ गया। मतलब देख लो मैंने यही कहा ना कि पेपर चल रहा है पर बच्चा दे नहीं रहा। कौन से सब्जेक्ट का पेपर है? मेरा फेवरेट तोलिया। कंप्यूटर कंप्यूटर, अरे छोड़ क्या करना है, छोड़ 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 है ना, मन नहीं है ना, छोड़ दे छोड़ दे। चलो चल चाहते हैं क्योंकि पापा को अपने इनके पापा को मतलब इनके पापा को कहीं काम पर जाना है, तो ये हमें वहाँ पर छोड़कर और जो भी है करते हैं। चलो जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
बाय बाय। सो गाइस सब लोग रेडी हो चुके हैं और गाड़ी में जा चुके हैं। हाँ रख लो, ये देखो ये मैडम भी तैयार हो गई है चप्पल हाथ में लेके। चप्पल हाथ में लेके ये देखो किस तरह से जीजू ये काबू हाय स्टाइल ऐसे करता है। चलो कहाँ जा रहे हैं हम? फार्म हाउस जा रहे हैं। हम ना वो कौन सी वो पजामा पार्टी करने जा रहे हैं। यार मेरे से लग ही नहीं रहा, मैं पागल हो गई। ये बैठे हैं बच्चे मन के सच्चे दोनों। बच्चे मन के सच्चे पहन के घूम रहे कच्चे। हाँ कच्चे पहने हुए हैं उन्होंने। शॉर्ट्स पहने हुए हैं सच्चे बच्चे दोनों होट पहन के बैठे शॉर्ट। ये कर क्या रहा है ये? ये अपने नेट चला रहे हैं यार। मम्मी लॉग इन नहीं रहा मैं। काबू काबू देख कैसे देख रहा है रिता। पकड़ ले इसको चल। और जीजू को थोड़ी ठंड लग रही थी तो उन्होंने गले में मफलर डाल दिया है। केजरीवाल की तरह केजरीवाल सारे पकड़ियो। सब यहीं पे बैठ गए हैं क्योंकि जो यहाँ पे अंकल होते हैं जिनके पास रूम की चाबियाँ हैं वो अभी यहाँ है नहीं। मम्मी अब क्या करने का प्लान है? बेटा हमें नहीं पता है, हमने तो यहाँ पर उन अंकल का पंखा चलाया और हम तो बैठ गए हैं हवा खाने। कहीं आज हमारे नसीब में नहाना लिखा ही नहीं है। बुआ कह रही है हरिद्वार चलते हैं, वहीं सीधा डुबकी लगाते हैं। हाँ हरिद्वार चलते हैं। नमस्ते अंकल। फाइनली हमें फर्स्ट फ्लोर वाले अंकल के यहाँ अपनी की मिल गई थी और फिर हम लोग अपना ऊपर गए क्योंकि गाइस अभी बैठने के लिए कुछ चीज़ तो है नहीं। हम लोग ज़मीन पर ही जाकर के बैठ गए और नहाए तो थे नहीं तो इसलिए फील आ नहीं रहा था कि भाई हम ऊपर बैठे हैं कुछ। तो ऐसा लग रहा था जैसे धर्मशाला में आकर के नहीं बैठ जाते हैं ज़मीन पर। काफ़ी टाइम हो गया धर्मशाला नहीं गए, यहाँ पर ही हमने धर्मशाला की फीलिंग ले ली। हम तो ये सोच रहे थे कि फार्म हाउस वाली फील लेंगे लेकिन यहाँ तो हमने धर्मशाला वाली फील ले ली। ये देखो गाइस इसको कोई मतलब नहीं है कि सारे उसके इंतजार में खड़े हैं घर चलने के लिए। खाना भी खाना है सबने, सब देख रहे हैं और वो अपना आराम से वहाँ खड़े होके वीडियो और वीडियो बना रही है। देखो आ जा रिद्धिमा, रिद्धिमा हम लोग जा रहे हैं, जब तेरा हो जाए तो हमें बता देना ठीक है। उसको शर्म भी नहीं लगती कि कोई मुझे मतलब एक्सप्रेशंस देने में या कुछ है। एक ये और एक इसकी बुआ दोनों मस्तीबाज। जंग छिड़ी हुई है बहुत देर से तो सोचा थोड़ी देर कवर ही कर लिया जाए। अब वीडियो देख के दोनों अलग हो गए। क्यों गुस्से में हो रहा है? चिढ़ा गया, देखो चिढ़ा गया। अब वो मारेगा तो उसकी फिर उसको बोलेंगे एक्टिंग करता है ये। फिर जा पंगे पूरे हैं इसमें भी। आई थी गर्मी, गर्मी में खड़े हैं भाई हम तो चलें। और ये काम घूमा टहली कर रहे हैं, चलो 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 इनको जल्दी हो रही है, चलो चलो चलो। हाँ जी चले क्या?
हाँ सब जगह लॉक कर दो, लाइट्स ऑफ कर दो फैन। और इसके बाद गाइज हम लोग लंच करने के लिए गए क्योंकि सभी को बहुत तेज़ की भूख लगी थी क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत चुका था। और इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। एंड सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मनन का बर्थडे सेलिब्रेट एंड गडे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।